हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लिब्रा ऑफिस हम सीख रहे हैं और लिब्रा ऑफिस सीखते समय हम आज क्लोन फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि एमएस वर्ड में जो हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग सेम वही काम कैसे करता है और शॉर्टकट की भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट की भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करता हूं। ये देखिए ये एमएस वर्ड है। अगर ये जो सिलेक्टेड पार्ट है इस पे मैं कोई कलर लगा देता हूं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं इस पे रेड कलर लगा देता हूं, तो देखिए रेड कलर का हो गया है। और शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन। कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं यहां पे करके, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करना है आपको और ग्रेटर देन बटन प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर ही प्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बटन, तो यही हमें प्रेस करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन एक साथ मैं दबा रहा हूं और तो ये साइज इंक्रीज हो रही है। मैं फिर दिखाता हूं आपको, सेलेक्टेड पार्ट की साइज इंक्रीज हो रही है। तो ये शॉर्टकट की है, आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं ग्रो फॉन्ट दिया हुआ है, तो यहां से भी कर सकते हैं। और अगर डिक्रीज करना है तो लेस देन बटन सेम प्रेस कीजिएगा तो ये लेस होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग की, इतना ठीक है। और यहां लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो चुका है। ये ब्रश साइन इस बात का सिंबल है कि ये कॉपी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी पर इसको चला देंगे। तो इस पे हमने चला दिया इसको, तो देखिए सेम फॉर्मेट जो है कॉपी हो गया, साइज भी वही, कलर भी वही, सारी चीजें वही, बस जो लिखा हुआ है ये सेम नहीं होगा, फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। इसी को हम लिब्रा ऑफिस में कैसे करेंगे, तो चलिए लिब्रा राइटर को ओपन कर लिया मैंने। अब यहां पर इस पे मैं कोई कलर लगा देता हूं, ठीक है। जैसे ये पहला वाला जो पार्ट है इस पे मैं पहले बोल्ड कर देता हूं इसे, तो ये बोल्ड कर दिया हमने यहां से। कंट्रोल भी शॉर्टकट की होती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे कोई कलर प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे रेड कलर ही कर देता हूं मैं इसे, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है इसकी साइज हमें इंक्रीज करनी है। कैसे इंक्रीज करेंगे, वहां पर तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन लगा देते थे, यहां क्या करेंगे, यहां आपको सिंपली प्रेस करना है CTRL के साथ, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है इसको प्रेस करना है, ठीक है। और क्लोज, क्लोज ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो क्या होगा और ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये भी हम करके देखेंगे। चलिए इस पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल के साथ मैं क्लोज बटन दबाता हूं, क्लोज बटन प्रेस करता हूं। जैसे ही क्लोज बटन प्रेस किया मैंने तो देखिए साइज इंक्रीज होने लगी, देख सकते हैं आप साइज इंक्रीज हो रही है। अब यही बटन आप ओपन वाला अगर प्रेस करेंगे तो साइज डिक्रीज होगी। CTRL के साथ ओपन वाला बटन प्रेस कीजिए, ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसका ओपन बटन आप प्रेस करेंगे तो ये साइज डिक्रीज होने लगेगी। कैसे डिक्रीज होगी आइए देखते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने और अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डिक्रीज बटन, ठीक है। डिक्रीज यानी ओपन वाला ब्रैकेट, हम ओपन वाला पैरेंथेसिस जो है बड़ा वाला उसको हम प्रेस करेंगे दोनों एक साथ, 1 2 3 4, ये देखिए डिक्रीज होती जा रही है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस प्रेस करेंगे तो ये इंक्रीज होने लगेगी, देखते हैं। तो देख सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज करने का क्या तरीका है। अब चलिए क्लोन फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। ये देखिए इसकी साइज काफी बड़ी है। अब यही सेम फॉर्मेटिंग हमें लगानी है किस पे, इस पे लगानी है। एक काम और करता हूं मैं, इतना जो पार्ट है ना इसको कर लेता हूं किसी और कलर में, यहां से ग्रीन कर देता हूं इसको, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को मैं करता हूं सेलेक्ट, ठीक है। और हमें यहां पे क्लोन फॉर्मेटिंग यूज करनी है। वहां पर फॉर्मेट पेंटर होता है एमएस वर्ड में, ये आप देख सकते हैं ये एमएस वर्ड है, यहां पर फॉर्मेट पेंटर होता है। ये कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट को कॉपी करने की, कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है वो तो यहां भी सेम ही होती है, लेकिन यहां पर क्लोन फॉर्मेटिंग यूज होता है, इसको हम क्लोन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्लोन फॉर्मेटिंग वाला बटन आपको यहां पर मिल जाएगा, तो इसे हम क्लोन फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इस फॉर्मेट को हम यहां से कॉपी करते हैं, शॉर्टकट की सेम ही होती है, हम इसी पे यहीं पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया कॉपी। अब हम इसको यहां पर ड्रैग कराते हुए इसी पे चलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं और देखते हैं, देखिए ये एक फॉर्मेट को, ये देखिए दोनों फॉर्मेट नहीं कॉपी कर रहा है, ये जो इसको एक मिल जाएगा। अब जैसे मैं बात करूं कंट्रोल जेड करता हूं, अब जैसे सपोज कीजिए इतना पार्ट ही हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, तो यहां से हमने क्लिक किया और यहां पर इसको चलाते हुए चले जाएंगे तो
तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा पूरा, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर हम इस पूरे फॉर्मेट को यहां से कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो ये शुरुआत से कॉपी करना शुरू करता है, यानी कि वेरी लेफ्ट साइड से ये कॉपी करना स्टार्ट करता है। तो लेफ्ट साइड में जो होता है उसी को ये कॉपी कर लेता है, बाकी चीजों को ये छोड़ देता है, ठीक है। तो ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ये देखिए यहां पे मैं रखता हूं इसको, अब इसको मैं करता हूं इस पे चलाता हूं, तो देखिए ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है कॉपी करना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब दो कलर होंगे तो ये पूरे फॉर्मेट को एक तरह से कहें कि दो कलर्स को ये कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कॉपी करता है, ठीक है। अब चलिए इसकी साइज को छोटा करना है सिलेक्टेड पार्ट के, तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ हम ओपन पैरेंथेसिस प्रेस करेंगे और ये छोटा होने लगेगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये देखिए ये जो है इंक्रीज फॉन्ट का शॉर्टकट की है इंक्रीज, और ये जो शॉर्टकट की होती है वो डिक्रीज फॉन्ट की होती है, किसकी होती है, डिक्रीज फॉन्ट, ओके डिक्रीज फॉन्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट होता क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। Thank you for watching this video.